हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप देंगे, होप एवरीथिंग इज़ फाइन। वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर वंस अगेन। तो आज का वीडियो फिर से है अपने M30S का एक एंड्रॉयड 10 अपडेट। वैसे आपके पास M30S नहीं भी है तब भी आप वीडियो दे सकते हैं। तो प्रॉब्लम कई लोगों को आ रही है इसकी ब्राइटनेस में। उनका कहना है कि जब से हमने एंड्रॉयड 10 को मतलब डाउनलोड किया या अपने फ़ोन को अपडेट किया है और एंड्रॉयड 10 को इंस्टॉल किया है, हमारे फोन्स में खासकर M30S में ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो इस इशू को मैंने देखा और इसका कुछ जो सोल्यूशन हो सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और पूरा डेमो दूंगा किस तरह से करना है। जिस जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो ज़रूर ये एक बार ट्राई करें, और इसको ट्राई करने के बाद भी अगर आपको वो प्रॉब्लम आती है तब कुछ हार्डवेयर का, यानी हार्डवेयर मतलब होता है कोई पुर्जा आपका प्रॉब्लम है, और अगर ये सॉफ्टवेयर का इशू है तो ये जो मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ इससे आपका मतलब प्रॉब्लम जो है ओवर ब्राइटनेस की जो आपको फील हो रही है या लग रही है हो गया है तो वो ठीक हो जाएगी। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज इस चैनल पर हम लाते हैं इस तरह के वीडियोज़, टेक वीडियोज़, टेक सोल्यूशंस और ड्रोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, रेगुलेशन, एवरीथिंग अबाउट ड्रोन्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज गैजेट्स। और आपकी रिक्वेस्ट मेरे तक पहुंच गई है कि आपने जूम H2N माइक के बारे में जो मैंने पूछा था आपसे स्टोरीज के थ्रू कि वीडियो चाहिए, तो मैं वो बना रहा हूँ, जल्द आपके पास आएगा। एक कंडेंसर माइक है, काफ़ी लोग स्टूडियोज़ वाले और भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और वो जानना चाहते हैं उस माइक के बारे में। बहुत अच्छा माइक है, वो अराउंड 15,000 रुपये के आसपास का उसका रेट है और बहुत बेहतरीन, हर एक के लिए वो यूज़फुल है, चाहे वो म्यूज़िक को रिकॉर्ड करना चाहता है, इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करना चाहता है वायरलेसली, तो उसके बारे में बोलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने एंड्रॉयड 10 अपडेट कर लिया है तो आपको लग रही है ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा, तो आपको क्या करना है, दो तीन स्टेप्स फॉलो करने हैं। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, तब आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये आ गई हमारी स्क्रीन, एंड स्क्रीन में सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में आप जाएं सबसे पहले डिस्प्ले में। अब डिस्प्ले में अगर आपने अडेप्टिव ब्राइटनेस को ऑन कर रखा है, इसको कर दें आप ऑफ, ठीक है। उसके बाद ब्लू फिल्टर भी अगर आपने लाइट फिल्टर ऑन कर रखा है, इसको भी कर दें ऑफ, ठीक है। और स्क्रीन मोड चेक कर लें कहीं विविड पे तो नहीं है, अगर ये विविड पे है तो इसको नेचुरल पे कर दें, और अगर नेचुरल पर ही है तो इसको नेचुरल पर ही छोड़ दें। और दैट्स इट, ये चीज़ें करने के बाद अपनी ब्राइटनेस को बिल्कुल ज़ीरो पे कर दें। तब अगर आपको दिख रही है बिल्कुल ब्राइटनेस डल है, हो गई है, तो इसका मतलब है आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये सॉफ्टवेयर का थोड़ा इशू था, वो इस जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसको कर देना है स्विच ऑफ, फोन को पावर ऑफ, और ऑफ करने के बाद फिर से आप इसे ऑन करेंगे, ये देखिए, और ऑन करने के बाद जो आपकी ओरिजिनल सेटिंग्स जैसे आपने रखी हुई थी, अडेप्टिव ऑन रखा हुआ था, वही चीज़ें आपने फिर से करनी है। ये स्टेप्स आपने इसी तरह से फॉलो करने हैं, कोई भी स्टेप मिस मत करें, इससे आपका जो सॉफ्टवेयर में डिस्प्ले का जो है सिस्टम, कंट्रोलिंग सिस्टम रीसेट हो जाएगा, और जो प्रॉब्लम आपको, जो बग आपको ब्राइटनेस में प्रॉब्लम कर रहा है वो अपने आप रीसेट होकर ठीक हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी आपको ये प्रॉब्लम आती है तो हम अब हमने कर लिया रीसेट, अब हम इसको करते हैं ऑन। तो ये बूट हो गया हमारा फ़ोन, फ़ोन इज स्टार्टिंग। अब हमने फाइनल स्टेप करना है, जो आपकी ओरिजिनल सेटिंग्स हैं उसको फिर से उसके ऊपर जाना है आपने। ये आए हम सेटिंग्स के ऊपर, सेटिंग्स में फिर से डिस्प्ले, एंड मैंने अडेप्टिव ऑन कर रखी है, तो अडेप्टिव ऑन करते एकदम ब्राइट होगी, तो जितना आपको सूटेबल लगता है उतना इसको आप सेट कर लें। अगर इसमें अगर आपको कम ब्राइटनेस पसंद है तो इसको कम पे कर दें, जितने भी आपको कंफर्टेबल है उतने यहाँ पर आप सेट कर दें।
यूजली जब अपडेट हो जाता है तो काफ़ी एनहांस हो जाती है, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, तो वो ज़्यादा एनहांस दिखाता है। तो वो आप कृपया ऑटो में जाके जितना आपको कंफर्टेबल है उतने पे इसको रख लें, ब्लू लाइट फिल्टर ऑन कर लें। एंड स्क्रीन मोड चेक कर लें, फिर से नेचुरल पर है, दैट्स इट। इसके बाद आपको कोई इशू नहीं आने वाला है, बस इतनी प्रोसेस आपने करनी है। इसके बाद आपको ये ब्राइटनेस का प्रॉब्लम चला जाएगा। होप आपको सोल्यूशन मिल गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, 3-4 स्टेप्स हैं, वो फॉलो कीजिए एंड डेफिनेटली जो आपको प्रॉब्लम लग रही है या फेस कर रहे हैं आप ब्राइटनेस की, वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा भी आपको M30S में कोई प्रॉब्लम लग रही है, नेटवर्क को छोड़ के, नेटवर्क का इशू काफ़ियों को आ रहा, हो सका कुछ सेट्स में प्रॉब्लम हो, लेकिन ऑल और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज भी आए हैं। तो नेटवर्क को छोड़ के कोई और प्रॉब्लम आपको आ रही है एंड्रॉयड 10 को अपडेट करने के बाद और आप चाहते हैं कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ, सोल्यूशन लाऊँ, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें। एंड DJI ने एक और ड्रोन लवर्स के लिए एक और ड्रोन रिलीज़ किया है, इंडस्ट्री ड्रोन्स के बारे में वीडियो बताऊंगा आपको आने वाले वीडियोस में, एंड Zoom H2N का वीडियो भी आने वाला है। तो प्लीज़ बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें वीडियो, और कुछ भी आप मुझसे जानना चाहते हैं रिगार्डिंग एनी गैजेट तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें और ऐसे ही हमारी फैमिली ग्रो करते रहें। थैंक यू।